फ्रैक्चर हो गया जी, मुझे बेड रेस्ट बताया है, तो एक्सरे आ गया है जी पाँव का, ये देखिए। हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। हम सब खैरियत से हैं मेरे अलावा, क्योंकि मेरे साथ हो गया वो हादसा हो गया जी, जो है ना इमरान हसन, उसके साथ भी हादसा हुआ और मेरे साथ भी हादसा हुआ। ऑफ कोर्स मैं उसके साथ ही गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी और यकदम से हमला हो गया जी उसके ऊपर। उसने ऐसे कैमरे के साथ फ्रंट पे वीडियो भी बनाई, मैं पीछे बैठी थी, मेरी कुछ थोड़ी कम चोटें वगैरह आई हैं, ये पाँव में थोड़ा जो फ्रैक्चर हो गया है जी, मुझे बेड रेस्ट बताया है, तो अब मैं बेड रेस्ट पर ही हूँ जी। मेरे लिए दुआ करना और उसके लिए भी करना, इकरार हसन के लिए भी, अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि वो सच के रास्ते में चल रहा है। मुश्किलें तो आती ही आती है, जो भी बंदा सच के रास्ते में चलता है मुश्किलें बहुत आती हैं, तो मेरा पुत्र हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह पाक तुझे कामयाबी दे। और उसके ऊपर पहले भी बहुत हमले हुए, बहुत हादसे उसके साथ हुए, मगर वो डट के मुकाबला करता है, सच्चा मुसलमान है। और मेरी भी दुआ है तेरे साथ और हर माँ की दुआ है, अल्लाह पाक तुझे कामयाबियाँ दे, क्योंकि जो भी ये सारे फेक हैं, ये जो हक हक खतीब साहब है, उनके साथ, उनके वो साथ, यानी कि वो उसके साथ मुकाबला कर रहा है, सच और झूठ की लड़ाई में वो लड़ रहा है, और सच की हमेशा जीत होती है जी। और मेरी दुआ है तेरे साथ हमेशा सच जीतेगा और झूठ का मुकाबला होगा जी। तो आज जुम्मा मुबारक है, आप लोगों को मेरी तरफ से जुम्मे की मुबारकबाद भी हो, और जो भी बीमार है अल्लाह पाक सबको शिफा दे और सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करना और मैं जल्द से जल्द सही हो जाऊँ। डॉक्टर, एक बात मैं जहन में थी, डॉक्टर क्या कहते हैं जी, बेड रेस्ट करें, बेड रेस्ट की मैं तो मंजी रेस्ट कर रही हूँ कि गर्मियों के मौसम में कौन इधर बेड पे बैठे, कौन बेड रेस्ट करे जी, चार पाइयाँ बाहर निकाली हुई हैं, तो मैं तो मंजी रेस्ट कर रही हूँ। उम्मीद है कि 3-4 दिन में सही हो जाएगा। एक्सरे वगैरह भी करवाया है, दवाइयाँ वगैरह भी ली है, और जब मैं आप लोगों को एक्सरे भी अपना दिखाती हूँ, कि आप ये ना समझें कि ऐसे भाई ज़ख्म नहीं है, भाई हड्डी थोड़ी सी हो गई है, हड्डी का मसला नहीं, मोच जो लगता है, ये मोच वगैरह थोड़ी आ गई, तो ये दवाइयाँ वगैरह मेरी चल रही हैं, ये देखें मैंने ले ली हैं दवाइयाँ, 2-3 दिन हो गए, अभी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, पहले से थोड़ा बेहतर है। अभी मैं एक्सरे दिखाती हूँ, फिर एक्सरे लिया, ये मेरा एक्सरे आ गया है जी पाँव का, ये देखें। अब ये डॉक्टर साहब भी देख सकते हैं जी क्या है तो क्या नहीं, अब आपको नज़र आ रहा है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, अब शुक्र है हड्डी बच गई है। तो मेरा तो पाँव स्लिप हो गया था जी, वो मैं मजाक कर रही थी कि मैं उसकी गाड़ी में थी, उसकी गाड़ी में मैं नहीं थी, वो खुद था, उसका अमला था, और जो शुभ शुभ वाला सरकार है ना, क्योंकि हर शहर में वो जा रहा है, उसके लिए कुछ सबूत इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि वो मान नहीं रहा कि मैं सच हूँ या झूठ हूँ, तो इसलिए उसके साथ भी, जब उसके साथ हादसा हो तब भी मेरे साथ ये घर में हादसा हुआ जी। उस वक्त जब बंदे के साथ हादसा हो तो क्या पता होता, कोई कैमरा ऑन लेके बैठा होता, ऐसे में गिर गई 5 मिनट, मुझे होश ही नहीं रहा मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं बच्चियाँ भी घर में नहीं थी, यूनिवर्सिटी गई, इतनी मुश्किल से मैं फ़ोन के पास पहुँची, फ़ोन किया बच्चियों को, तो फिर वो कोई आई तो फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, तो अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा मसला सीरियस नहीं हुआ। अब मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त थी, जल्दी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, फिर वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी। तो आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को ज़रूर दबा देना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। कमरे में बहुत गर्मी है, बाहर चलती हूँ भी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखना।